हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नया ड्रामा हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो अभी ऑन गोइंग है। तो हम देखते हैं वी मेंशन को, जिसमें एक लड़की पोयम सुना रही होती है और उसे एक लड़का पीछे से छिपकर देख रहा होता है, जो कि हमारा फीमेल लीड रहती है, जो हमारा प्रिंसेस यूरोग रहती है। वह पोयम लॉर्ड वी को सुनाती रहती है। लॉर्ड यह पोयम सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है, उससे अवार्ड भी देता है। जब वो जाती रहती है तो एक लड़के से मिलती है जो उसे पीछे छुपकर देख रहा था और वो उसे नाम पूछता है, तो बोलती मेरा नाम प्रिंसेस है। यह सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लगता है कि उसको पहले नजर में उसे प्यार हो गया है। वो लड़का कौन था ये तो हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस कहीं जा रही थी तो इसकी मेट मना करती है, तो प्रिंसेस बोलती है किसी को मत बोलना कि मैं जा रही हूँ। वो एक बॉक्स उठाती है और बाहर चली जाती है। हम देखते हैं वो छोटी सी बिल्ली को पकड़ के बैठी हुई थी, तभी कुछ लड़के लोग वहाँ से आते, बोलते प्रिंसेस है ना, चलो इसको हम लोग बुली करते हैं। वो लोग प्रिंसेस को बुली करते रहते हैं, तभी हमें एक लड़का आता है, वो छोटी सी बिल्ली को कैरी किया रहता है, शायद उसके फ्रेंड थे। वो बोल रहे थे कि इसको फेंक दो, उसको फेंक दो। फिर वो लड़का बिल्ली का बच्चा प्रिंसेस के हाथ में दे देता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं, लगता है कि दोनों को ही पहले नजर में ही दोनों को प्यार हो गया है। वो लड़का सभी लड़कों से बोलता है उससे, फिर वो लड़के से माफी मांगने के लिए। उसमें से एक लड़का बोलता है तुम जानते हो मेरे पापा कमांडर है और वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। लड़का बोलता है कि मैं जनरल नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं सुन सकता। तो फिर वो लड़का बोलता है कि ओ तो तुम जनरल के बेटे हो। लड़का बोलता है ओ तो तुम लड़ना चाहते हो। फिर वो लड़का प्रिंसेस की तरफ टर्न होकर बोलता है प्रिंसेस आप दोनों छिप जाइए, जब तक मैं ना बोलूं बाहर निकलने के लिए आप बाहर मत निकलिएगा। वो वैसा ही करती है। उस लड़के का उस लड़के लोग के साथ अच्छे से फाइट होता है, वो अच्छे से धुलाई देता है। उसी के बीच में उसके हाथ पे चोट लग जाता है, तो प्रिंसेस उस पे मेडिसिन पुट करती है और बैंडेड भी करती है अपने हैंकी से। क्या बोलते तुम्हें इतना अच्छे से ख्याल रखिए, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। तो प्रिंसेस थोड़ा सा शर्मा जाती है, वो जाने लगती है। लड़का बोलता है रुको रुको, तुमने अच्छे से मेरे को बैंडेड भी नहीं किया, अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम ब्लेम अपने ऊपर लोगी। तो फिर वो प्रिंसेस आती है और उसको अच्छे से बैंडेड करती है अपने हैंकी से। तो लड़का बोलते है तो डील रहा, तुम फ्यूचर में कभी किसी से शादी मत करना, तुम सिर्फ मुझसे शादी करना। लड़का उसे एक्सचेंज गिफ्ट भी देता है, फिर वो लड़का उसे रिटर्न गिफ्ट भी देता है। इस पार्ट में तो उसका नाम नहीं बताया गया, फ्यूचर में पता चलेगा। तो वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि डील रहा, हम लोग फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। अब वो एकदम शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। वो लड़का हैंगी में हमारा प्रिंसेस का नाम देख लेता है, जो कि यू रॉन्ग रहता है। हमें उसका नाम पता चलता है, उसका नाम जेनैन रहता है। जेनैन अपने डैड के साथ खाना खा रहा था, उसके डैड उससे बातें कर रहे थे। वो हमारा मेल लीड भी रहता है, जो अपने हैंकी पर ही बस उसका ध्यान था। डैड बोलते रहते कि मैं तुम्हारा एज में था तो मैं बैटल फील्ड में फाइट करता था। उसी के बीच में एक सर्वेंट आता है, बोलता है कि आपको लॉर्ड वी बुला रहे हैं, कमांडर चीफ। हमारा मेल लीड का फाइट हुआ था। इसके बाद हमारा मेल लीड का डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसको मारने लगते हैं। सभी सर्वेंट मिलकर उनको बचाता है। नेक्स्ट डे जेनैन योरंग से मिलने वाला था, तभी उसके डैड आ जाते हैं। वहाँ पर कमांडर चीफ आ जाते हैं और बोलते तुम यार बेटा को बेल्जिंग छोड़ के जाना होगा, उसके पापा के पास कुछ ऑप्शन रहता नहीं है, अपने बेटे को भेज देता है। इधर हमारी फीमेल लीड यूरोंग वेट करती रहती है, वो उसके पास से जाता है, उसको बुलाने की कोशिश करता है, फिर भी वो नहीं सुनती है। जो जेंगरेंग के साथ वो आदमी रहता है बहुत ही ज्यादा बदमाश रहता है, उसको इतना तेज पकड़ा जाता है उसका हाथ भी पेन करने लगता है। वहाँ से चला जाता है और हमारी फीमेल लीड यूरोंग उसे मिल नहीं पाती है। फिर हमें 1911 को दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड वहीं पर उसका वेट करती रहती है, बोलती कि मैं उसका वेट करती रहूंगी और वो कहती है कि मैं तैनजिन जरूर जाऊंगी उसको ढूंढने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं यूरोंग अपना हेयर कट करती है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी न्यू हेयर स्टाइल में। हमें देखते वहाँ पे एक लड़का आता है जो बोलता है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो हमें आगे पता चला है कि वो लड़का कौन था। इसके बाद हम देखते हमारा फीमेल लीड को वो एक प्लेस आई थी जहाँ पे वो जेनैन को खोजने के लिए, तो वो आदमी बोलता है बिना नाम का उसका खोजना बहुत ही मुश्किल होगा। फिर हम देखते हैं जेनैन के सामने से एक कार पास होता है जिसमें हमारा मेन लीड रहता है, वो तैनजिन एडुकेशन ब्यूरो जा रहा होता है। वहाँ पे एक आदमी पूछता है तुम लोग कौन हो, तो वहाँ उसका असिस्टेंट बोलता है कि ये न्यू डायरेक्टर है मिस्टर जो। जब वो ऑफिस में जाता है तो बहुत लोग उसको ग्रीट करते हैं हेलो डायरेक्टर। ऑफिस में जाके बोलता है कि मेरे घर में कुछ काम था तो मैं यहाँ पे सोने के लिए आया हूँ। तो वहाँ पे सभी इम्प्लॉय लोग कुछ बोलने जा ही रहा था, तभी वो अपना पॉकेट से गन निकाल कर टेबल पर रख देता है, जिसपे सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं यूरोंग बहुत ही ज्यादा मन लगा कर पढ़ाई कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं यूरोंग और उसका कजन पीएंग यूनिवर्सिटी में जाता है।
तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है। फिर हमें उसका कजन का नाम पता चलता है, उसका कजन का नाम ब्यूरी रहता है। ये फ्रेंड उसका कजन को अच्छे से हेलो बोलती है। उसका कजन बोलता है, तुम दोनों जाओ क्लास करो। उसका तो मुंह ही बन जाता, लग रहा था कि उसका कजन को लाइक करती है। रॉन्ग बोलती है अपनी फ्रेंड से, मैं न्यूज़पेपर लेने जा रही हूँ। जब वो न्यूज़पेपर लेकर वापस आती तो वहाँ पर अपनी फ्रेंड को नहीं देखती है। इसे तो हमें समझ में आ जाता है कि उसकी फ्रेंड उसको पसंद नहीं करती थी। हम देखते वो लोग खाना खा रहे थे, तभी कॉल आता है। एक लड़की उधर से बोलती कि मैं चीफ ऑफ आर्मी बोल रही हूँ, मुझे मार्शल जाहो से बात करना है। और उसका असिस्टेंट एक नंबर का ढक्कन रहता है, पता नहीं गर्ल्स का आवाज समझ क्यों नहीं पाता है। वो जाहो को बुलाकर लाता है। जब जाहो बोलता है हेलो तो समझ जाता है कि वो जाजो रहती है। लड़की बोलती कि मुझे झूठ बोलना पड़ा, आप कभी भी घर पे नहीं रहते हो। बोलते कि मैं सचमुच घर पे नहीं हूँ, बहुत सारा काम है इसलिए मैं बाहर हूँ। वो बोलते कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो। फिर हमें एक पार्टी का दिखाया जाता है, हमारा फीमेल लीड योंग भी आई थी और हमारा मेल लीड जाहो भी आया था। जाहो को उसका असिस्टेंट बताता है कि लड़की मार्शल यू का एक ही बेटी है। बोलता है कि बहुत ज्यादा गुस्सेल, इसको प्रोवोक मत करना। अब एक आदमी बोलता है कि हमारे बीच में मिस्टर डायरेक्टर जाहो टैनेंट भी हैं, तो सभी लोग क्लैप करते हैं। हीरो थोड़ा सा स्पीच देता है कि आप बहुत टैलेंटेड यंगस्टर हो एंड बहुत सारा बात। एक कॉकटेल पार्टी रहता है और हमारा मेल लीड जाता है फीमेल लीड से पूछने के लिए कि उसके साथ डांस करेगी कि नहीं, तो सभी लोग उसको बोलते हैं डांस करने के लिए। जाहो के पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, उसको मानना ही पड़ता है और उसके संग डांस करने लगती है। योरंग की फ्रेंड कजन को बोलती रहती है कि लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यह एक प्ले बॉय है, पता नहीं कितनी लड़की लोग का इसने दिल तोड़ा है, ये बहुत ज्यादा इविल है। और वो लोग डांस कर रहे थे, तभी जाहो योरंग से उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। से योरंग अपना नाम बताती है, उसको अचानक से हाथ पकड़ लेता है। फिर उसको याद आती है तो वही लड़की है जिसने उसको हैंकी दिया था, कुछ ज्यादा ही तेज से पकड़ा हुआ था, उसको छोड़ने के लिए बोलती है। तभी उसका कजन आता है, उसको उससे छुड़वाता है, उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग जा रहे थे तो हमारा मेल लीड जाहो को दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो चैलेंज फील करते हैं। यह पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय सारंगे।